हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो लाइक दे माइट बी इन सम कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसके बाद आफ्टर डिप्लॉइंग द 3 to 4 वीडियोस ऑन प्राइमरी कीवर्ड्स, उसके बाद मेरे 3 वीडियोज आएंगे कि जो 3 या 4 नोट्स पे आएंगे। ठीक है, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3, तो उसके बाद आपको कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट यू डोंट हैव टू वरी कि लाइक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग। ऑल राइट, सो जस्ट देखो कि क्या हो रहा है, हाउ दिस स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स आर प्रेजेंटेड, क्या एक्चुअल में हो रहा है, वो उस पर मैं बोलना क्या चाहता हूं उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, सो अगर आपने बिफोर दैट लाइक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं होगा किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब। इसके अलावा लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको सच में समझ रहा हो तो। ठीक है, ऑलराइट, तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा इट विल बी ऑन द टॉपिक सेम सिलोजिज्म एंड हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है सम नॉट, इसके ऊपर व्हाट आर द डिफरेंट, हाउ यू कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल कंक्लूजन्स, ऑल करेक्ट कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम वी हैड सीन सम, उसके बाद वी हैड सीन ऑल। ठीक है, एंड आज वी आर गोइंग टू सी सम नॉट। यस, हाँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल से अच्छा क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से सम सम के आर नॉट एन। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो इसकी वेन डायग्राम हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक के, तो ये क्या हो गया आपका, फॉर एग्जांपल के है और ये यहां पे हमने ले लिया एन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम के आर नॉट एन। लास्ट टाइम हमने एक वेन डायग्राम ली थी कि लाइक सम के आर एन, सम ए आर बी, जैसे फॉर एग्जांपल, तो कैसे निकालते थे हम, ऐसे निकालते थे। ठीक है, बट इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो उन्होंने क्या बोला है, सम के कुछ के जो है, सम जो के है आर नॉट एन, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, एन नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेन डायग्राम हम कैसे निकालते, और ये अगर हमारी वेन डायग्राम है तो वी आर गोइंग टू सी ऑल द पॉसिबल कंक्लूजन्स, कि कौन से पॉसिबल कंक्लूजन और करेक्ट कंक्लूजन्स है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ठीक है, और ये वेन डायग्राम हो गए। ऑलराइट, इसके अलावा प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखे होगे तो प्लीज डू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो एंड देन जम्प ऑन टू दिस वीडियो, सारी जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑलराइट, फाइन, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं हम नॉट का, सम नॉट का। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सम लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, सम एक्स आर नॉट y। ठीक है, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम यूजुअली कैसे रहेगी, ये हमारी रहेगी वेन डायग्राम, ये x है और ये हमारा y है। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑल द पॉसिबल कंक्लूजन्स, ऑल द करेक्ट कंक्लूजन्स। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं हम सम, हाँ, दूसरा हम लेते हैं ऑल, तीसरा हम लेते हैं सम नॉट एंड लास्ट फोर्थ नो। ठीक है, तो आफ्टर लाइक वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, हाँ, तो सम वाई
for example, our first conclusion, sum y r x, ये conclusion for example मैंने ले लिया, all y r x, ये conclusion मैंने ले लिया, sum y r not x, ये conclusion मैंने ले लिया, और last conclusion मैंने ले लिया, sum y r no y r x, ठीक है। तो अगर मैंने इतने ही कंक्लूजन लिए हैं, ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन्स क्या हो जाएंगे, नो डाउट ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या बोला है, सी सम एक्स आर नॉट वाई, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है, यहां पे जो डेटा दिया है, व्हाट इज स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली दिस शेडेड पार्ट, ठीक है। तो सारे कंक्लूजन्स शेडेड पार्ट के बारे में जो भी आएगी, जो डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे, ऑल दोज कंक्लूजन्स विच यू विल ड्रॉ ऑन द शेडेड पार्ट, दैट कंक्लूजन्स की जो डेफिनेट रहेगी वही करेक्ट रहेगी। रेस्ट पार्ट किसी के भी बारे में जब हम बात करेंगे, दोज कंक्लूजन्स विल बी ट्रू ओनली इन द पॉसिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि ऐसे नहीं होगा कि सारे, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसके बारे में कोई हर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा, ये गलत बात है। एंड आज उसका एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि सम y आर x, कुछ y जो है वो x है, तो ये गलत हो गया। ऑल y आर x पॉसिबल ही नहीं, कुछ इनिशियली बोल दिया कि सम x जो है वो नहीं है y, ठीक है। सम y आर नॉट x, ये भी हम डेफिनेट कंक्लूजन में नहीं बोल सकते। ऑल दीज कंक्लूजन्स आर डेफिनेट कंक्लूजन्स, बट ये सारे कंक्लूजन्स में अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देते हैं, सम वाई आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल वाई आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल वाई आर एक्स, सारे वाई एक्स हो सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में दी है, सिर्फ शेडेड पार्ट के बारे में। सेम यहां पे भी सम वाई आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम वाई आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, कुछ वाई एक्स हो सकते हैं। सम वाई आर नॉट एक्स, कुछ वाई एक्स नहीं भी हो सकते, ये भी कब करेक्ट होगा, ओनली इन द पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज नो वाई इज एक्स, अगर मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि नो वाई आर एक्स, तो ऐसे ही हम डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बोल सकते। वाई, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्स के बारे में दी है, और वो भी शेडेड पार्ट के बारे में दी है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वाई, नो वाई आर एक्स, तो ये कब करेक्ट होगा, ओनली इन द पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे कंक्लूजन्स कब पॉसिबल हो गए, लाइक कब करेक्ट हो गए, इन द पॉसिबिलिटी। नाउ वी विल टेक टू मोर कंक्लूजन्स, ठीक है। हाँ, तो लेट्स टेक सम, अभी मैं चेंज कर देता हूं, एक्स आर वाई, एंड और एक कंक्लूजन में लेता हूं सिक्स्थ वाला, नो एक्स आर वाई। तो अगर ये दोनों कौन से हो गए, डेफिनेट कंक्लूजन हो गए, एंड डेफिनेट सम एक्स, कुछ एक्स आर वाई, कुछ एक्स है, बोला क्या है, कुछ एक्स नहीं है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम एक्स आर वाई, दे आर टॉकिंग अबाउट, क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम एक्स आर नॉट वाई, जो नॉट वाई है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये कंक्लूजन क्या है, सम एक्स आर वाई, डेफिनेट कंक्लूजन हम किसी की, वी कैन मेक अ डेफिनेट कंक्लूजन ओनली ऑन द शेडेड पार्ट, वी कैनॉट मेक द डेफिनेट कंक्लूजन ऑन, जिसका डेटा नहीं दिया उसके ऊपर हम डेफिनेट कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो अगर सिर्फ इतना ही बोला है तो दैट विल बी रॉन्ग, नो एक्स आर वाई, कोई भी x, नो x आर y, सारे जो x है वो y नहीं, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो x आर y,
तो ये भी डेफिनेट कंक्लूजन है। तो अगर दोनों ये ऐसे कंक्लूजन दिए हुए थे तो दोनों विल बी, ऑल दोज कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। बट सेम वे इसमें भी हम अगर पॉसिबिलिटी ऐड करते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, सम एक्स आर वाई, कुछ जो एक्स है वो वाई हो सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स हो सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है, कुछ एक्स नहीं हो सकते बट जो बचे हुए हैं वो हो सकते हैं क्या, तो ऑफकोर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में इट इज करेक्ट। नो एक्स आर वाई, सारे जो उन्होंने इतना बोला है कि ये एक्स तो वाई नहीं है बट बाकी के भी हो सकते, मतलब वाई नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, बट ओनली वेन इट इज इन द पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी मैंने ये छह कंक्लूजन तो आपको दिए, आपको मे भी समझ में भी आया होगा कि कैसे ये करेक्ट है और कैसे ये रॉन्ग है, एंड दीज आर द सिक्स पॉसिबल कंक्लूजन्स विच आर करेक्ट कंक्लूजन्स, सारे करेक्ट है। ठीक है, यहां तक अगर हम रुकते हैं तो रॉन्ग है, बट इफ यू अप्लाई द पॉसिबिलिटी देन इट इज करेक्ट। नाउ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़े से कंफ्यूजन होगी या फिर कुछ डाउट्स होगे। ठीक है, जैसे इन दिस केस ये दो कंक्लूजन के बारे में, अगर मैं यहां पे हमने सी सम और सम, सम नॉट एंड नो, हमने चार लिए प्राइमरी कीवर्ड्स, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर इसमें क्यों नहीं लिए, राइट, हो सकता है ऐसे, नो डाउट। तो क्या करते हैं हम इसको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया सम, दूसरा क्या है ऑल, ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, ऑल एक्स आर वाई इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ बोलेंगे कि सर ये करेक्ट हो सकता है क्या, ऑल एक्स, जैसे हम इसको ऑल कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने ऑल कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सम नॉट कर दिया, सम एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, तो अगर मैंने ये दो चेंजेस किए तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अभी ये करेक्ट है क्या पॉसिबिलिटी में, तो ये मेक श्योर कि ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग है। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग है, कैसे, हाउ। ठीक है, जैसे ऑल एक्स आर वाई, अभी उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि भाई कुछ जो एक्स है वो एनीथिंग हैपन, कुछ भी हुआ तो वो क्या है, आर नॉट वाई, तो अगर ऐसे बोला है तो ऑल एक्स कैसे वाई हो सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो चाहे वो ऑल एक्स आर वाई हो या फिर वो पॉसिबिलिटी आप अप्लाई कर दो, स्टिल इट इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है, बोला क्या है कि कुछ एक्स है वो वाई कभी नहीं हो सकते, कभी है ही नहीं, सम एक्स आर नॉट वाई, तो इन नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन, सम एक्स आर नॉट वाई, देखो क्या बोला है, सम एक्स आर नॉट वाई इज अ पॉसिबिलिटी। यार जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अभी मैं यहां पे सेशन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ वीडियो, मैं सिखा रहा हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि अभी मेरा सेशन चल रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग ऑन लाइव, और मैंने बोल दिया कि आई एम टेकिंग, अभिषेक इज टेकिंग अ सेशन इज अ पॉसिबिलिटी, अरे भाई मैं ऑलरेडी ले रहा हूं, समझ रहे हो आप क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं ऑलरेडी सेशन हमारा चल रहा है तो उसको पॉसिबिलिटी डालने की तो जरूरत ही नहीं ना, तो दैट्स व्हाट द रीजन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कंक्लूजन। तो ऐसे इट्स नॉट मैंडेटरी कि फॉर एग्जांपल ये शेडेड पार्ट है, जो ब्लैंक स्पेस के बारे में पॉसिबिलिटी में सारे कंक्लूजन्स करेक्ट हो गए, ऐसे नहीं है। देखो ये पॉसिबिलिटी में भी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आ रहे हैं, व्हाई, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ होप आपको वो समझ में आएगा। तो इट इज द सेम केस, सम एक्स आर नॉट वाई, ये स्टार्टिंग में ही बोला है यार, सम एक्स आर नॉट वाई, ये स्टार्टिंग में ही बोला है, तो पॉसिबिलिटी डालो या नॉर्मल लिखो वो रॉन्ग ही होने वाला है, पॉसिबिलिटी में तो रॉन्ग ही होगा ना। सो दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन, तो व्हाट आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि फॉर एग्जांपल आई विल रब दिस, हाँ देखो अभी इसके बारे में हमें दिया है, तो ऑल दोज कंक्लूजन्स इनिशियली हमने क्या देखा था इन शॉर्ट में कि जो भी ब्लैंक स्पेस है,
है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर दिस एज अ शेडेड स्पेस एंड दिस एज अ ब्लैंक स्पेस. तो हमने इनिशियल वीडियोज में देखा था कि ब्लैंक जो स्पेस है उसके कंक्लूजन्स, उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स अगर हम पॉसिबिलिटी में डालते तो वो यूजुअली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं. बट इन टूडेज वीडियो यू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं है कि ब्लैंक स्पेस के बारे में एनी कंक्लूजन इन द पॉसिबिलिटी विल बी ट्रू, ऐसे नहीं है. ठीक है. एंड आगे की तीन जो नोट आएगी ना उसमें ये पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, थैंक यू. So this was all about today's session. Hope you liked the video. Thanks for your time, guys. Thanks for watching the video. Thank you. Jai Hind.